राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में लेकर का एक नई वीडियो और एक नई टॉपिक। किसानों, इस वीडियो के अंदर जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे एनपीके 19-19-19 जो हमारा पानी में 100% घुलनशील खाद है, क्या हम इस वाले खाद को जो हमारे कीटनाशक होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, इनके साथ मिला करके यदि हम अपनी फसल के अंदर स्प्रे करते हैं तो क्या हमें 100% रिजल्ट मिल पाते हैं या फिर नहीं, या फिर ये आपस में रिएक्शन करके हमारी जो पैदावार थी, हमारा जो उत्पादन था, उसे ये काफ़ी ज़्यादा कम कर देते हैं। तो सब कुछ किसान भाइयों बड़ी डिटेल से, बड़ी अच्छी तरीके से बताऊंगा कि क्या हमें कीटनाशक को एनपीके 19-19-19 खाद के साथ मिला करके स्प्रे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा वाटर सोल्यूबल खाद है एनपीके 19-19-19, इसे इतना शानदार खाद होता है कि इसके अंदर नाइट्रोजन 19 है, फास्फोरस 19 है और पोटास की मात्रा भी 19% दी गई है। जैसे ही इसका उपयोग हमारी फसलों के ऊपर होना शुरू होता है, किसान भाई मात्र 2 से लेकर 4 घंटे 6 घंटे के अंदर ये हमारी फसलों पर हल्का हल्का असर दिखाना शुरू कर देता है और 2 से लेकर 3 दिन के अंदर इसके जो रिजल्ट होते हैं वो बेहतरीन वाले हमारी फसल के ऊपर देखने को मिलते हैं, जिससे हमारी फसल यदि पहले से पीली पड़ रही है तो हरी भरी होनी शुरू हो जाती है, जेड ब्लैक उसका कलर होना शुरू हो जाता है और फसल को देखकर ना माने ऐसा लगता है कि कितनी सुंदर फसल हमारे खेत के अंदर किसान भाइयों खड़ी हुई है। तो एनपीके का उपयोग मैं समझता हूँ लगभग सभी किसान भाइयों ने किया होगा, कुछ ने स्प्रे के रूप में उपयोग किया होगा, किसने कुछ खादों के साथ मिला करके जड़ों के पास में भी इसका उपयोग किया होगा। अब बात कर लेते हैं कीटनाशक के बारे में। कीटनाशक किसान भाइयों कई तरह के आते हैं, कई तरह का मतलब है कि कहीं कहीं पर सिंगल कीटनाशक भी देखने को मिलेंगे, डबल कीटनाशक भी देखने को मिलेंगे, कुछ कॉन्टैक्ट में होते हैं, कुछ सिस्टमिक होते हैं, तो हर तरह का कीटनाशक जो आपको देखने को मार्केट में मिल जाएगा। तो क्या हम कीटनाशक को और एनपीके 19-19-19 को एक साथ मिलाकर के यदि स्प्रे करेंगे तो क्या अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे? तो इसमें किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि सभी कीटनाशकों को आप इसके साथ नहीं मिला सकते, क्योंकि यदि सभी को मिला पाएंगे तो इसमें दिक्कत आ सकती है। जैसे क्या? क्योंकि किसान भाई इसके अंदर एनपीके 19-19-19 है, इसमें सल्फर की मात्रा, सल्फेट की मात्रा भी इसके अंदर दी गई है, फास्फोरस की मात्रा इसके अंदर दी गई है। तो कुछ ऐसे कीटनाशक होते हैं जो फास्फोरस के साथ आते ही एक्शन करना, रिएक्शन करना, क्रिया करनी शुरू कर देते हैं। तो आपको ध्यान देना है, जब भी किसी कीटनाशक को आप मिला रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या ये फास्फोरस के साथ रिएक्ट करता है या फिर नहीं। यदि वो फास्फोरस के साथ रिएक्ट नहीं करता तब आप बड़े आसानी के साथ उन कीटनाशकों को एनपीके के साथ मिला करके उसका स्प्रे कीजिए, आपको 100% अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और बाय चांस किसान भाइयों यदि उसने क्रिया की तो आपके जो रिजल्ट 100% मिलने चाहिए थे वो मात्र 40-50% के आसपास देखने को मिलेंगे। आपकी सारी लागत, सारा पैसा, सारी जो आपकी मेहनत थी वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी किसान भाइयों आपको ध्यान देना है। अब मैं आपको बता दूं जो हमारे नॉर्मल से हैं, जैसे क्या फिप्रोनिल है या फिर आपका कार्टैप आपके लिक्विड में आ रही है, फ्यूरोडान आपकी लिक्विड में आ रही है या फिर किसान भाइयों और हमारी कोराजन आ रही है, इन सभी के साथ जो है आप एनपीके 19-19-19 को मिला लीजिए, इनका स्प्रे अपनी फसल में कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बड़े आसानी के साथ जो है ये आपस में मिल जाते हैं और अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके देते हैं। यदि आपके मन में कोई कीटनाशक है और आपकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हम इस कीटनाशक को एनपीके 19-19-19 के साथ मिला करके स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं, तो नीचे कमेंट कीजिए, तुरंत ही आपको जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। 12 से लेकर 24 घंटे के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरे जितने भी प्यारे किसान भाई हैं सभी किसान भाइयों के सवालों के जवाब मैं जल्द से जल्द उन्हें दे सकूं, जिससे कि उन्हें किसी भी तरह का कोई दुख ना हो सके, उनकी मेहनत बेकार ना हो, उनका पैसा बेकार ना हो। तो उम्मीद है किसान भाइयों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे किसान भाइयों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को राम राम जी।